बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके अब निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है, और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है, तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए। लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। रूटीन वर्क है। कौन से वाले केस में कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में, पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो दो बार तीन बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं,